क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान न्यूज 24 और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे स्टार बल्लेबाज युवराज सिंह ने आईपीएल 2019 में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए पहले मैच में ही तेज तर्रार अर्धशतक जड़ शानदार आगाज किया है। हालांकि युवराज सिंह मुंबई इंडियंस को जीत दिलाने में नाकाम रहे, लेकिन 53 रनों की विस्फोटक पारी खेल युवराज सिंह ने साबित कर दिया है कि कभी दुनिया भर के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने वाले बाएं हाथ का यह धुरंधर बल्लेबाज आज भी दुनिया के किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। युवी ने अपनी 53 रनों की इस पारी में 5 चौके और 3 शानदार छक्के जड़े। दरअसल पिछले साल आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेलते हुए युवराज सिंह का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। यही वजह रही कि किंग्स 11 पंजाब टीम की मालकिन प्रीति जिंटा ने उन्हें रिलीज कर दिया। कुछ क्रिकेट विशेषज्ञ तो युवराज सिंह को क्रिकेट से संन्यास लेने की सलाह भी देने लगे थे, लेकिन आईपीएल के पहले मैच में युवराज ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है उसे देखकर कहा जा सकता है कि यही फॉर्म युवराज का बरकरार रहा तो विश्व कप के लिए उन्हें भारतीय टीम में मौका मिल सकता है। युवराज सिंह के बारे में आपकी राय क्या है? क्या आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन युवराज को विश्व कप 2019 का टिकट दिला सकता है या नहीं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।